एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल इग्नू आसान है में बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो जून 2017 में टर्म एंड एग्ज़ाम हुए थे उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, और ये जो रिज़ल्ट आए हैं ये पार्शियली रिज़ल्ट आए हैं, पूरे रिज़ल्ट अभी नहीं आए हैं। जिन जिन कोर्सेज की आंसर स्क्रिप्ट्स का इवेल्यूएशन हो चुका है वो रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। संभव है आपने, हो सकता है फॉर एग्जांपल आपने 6 पेपर्स दिए हों और अभी हो सकता है उनमें से 3 या 4 के रिज़ल्ट आए हों। तो देखिए, अभी एक आध हफ्ते में 10 दिन में मैक्सिमम पूरे रिज़ल्ट आ जाएंगे, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट आने का सिलसिला है वो चालू हो गया है। तो आइए अब पता करते हैं किस तरह से आप रिज़ल्ट देख पाएंगे। तो देखिए, एक तो तरीका है कि स्क्रीन पे होम पेज पे ही रिजल्ट्स आता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा, आप यहाँ स्क्रीन पे स्टूडेंट सपोर्ट में भी जाके रिजल्ट्स में जाके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, आप डायरेक्ट गूगल में जाके भी इग्नू रिजल्ट्स लिखेंगे, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट उसी लिंक पे ले जाएंगे। तो देखिए, ये आपने टर्म एंड एग्ज़ाम पे जाना है। जैसे ही टर्म एंड एग्ज़ाम पे जाएंगे, स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर रिजल्ट्स में जाके टर्म एंड पे जाना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए 2 यहाँ पे सर्वर के लिंक दिए हुए हैं जून 2017 एग्जाम के, तो आप इनमें से किसी में भी क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अभी प्रारंभिक स्टेज पे देखिए, यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जून 2017 लिखा हुआ है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोल रहा था कि चूँकि इग्नू की साइट बहुत ज़्यादा क्रैश कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो प्रॉब्लम हो रही है खुलने में, तो आप गूगल पे इग्नू रिजल्ट्स लिख के जाएंगे तो डायरेक्टली आप इस लिंक पे पहुंच जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए किसी एक रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक ये एग्जांपल के तौर पे एक रिजल्ट्स है किसी स्टूडेंट का, BDP के स्टूडेंट का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स डिक्लेरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और विश्वविद्यालय ने 45 दिनों के अंदर जो रिजल्ट देने की श्रृंखला रही है, जो प्रतिबद्धता रही है, उसको पूरा किया है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। और जिन कोर्सेज के रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही जल्दी वो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है आपके लिए कि अभी अगर किसी का रिजल्ट किसी कारण से अच्छा नहीं आया है तो बिल्कुल परेशान ना हो, और सितंबर महीने में 1 सितंबर से फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और आप दिसंबर में एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और एक दो चीज़ें और आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, कि एक तो ये स्थिति हो सकती है कि आप अपने इवेल्यूएशन से संतुष्ट नहीं हैं और आपके मन में ये इच्छा हो सकती है कि मैं अपनी जो आंसर स्क्रिप्ट हैं, जो कापियां हैं, उनका दोबारा इवेल्यूएशन कराऊं। तो जो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है, री इवेल्यूएशन की प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल में जाके वीडियो के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो बना के हमने डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी जल्दी ही हम इस पर कुछ डिटेल आपको बताएंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको और हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी आपके लिए इतना ही अपडेट है, और कुछ और जो वीडियो अभी हम लेके आ रहे हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जुलाई 2017 सेशन में, उन्हें अब क्या करना है, कब उन्हें असाइनमेंट जमा करने हैं, कब एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं, कब क्लासेस अटेंड करनी है, जो भी इस तरह से क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं आपके मन में, डेफिनेटली बहुत सारी क्वेरीज़ होंगी, तो उसे भी हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो कमेंट्स करके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो हम उस पर भी सोच रहे हैं कि जल्दी ही एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके आएं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दें, जिससे जो इस चैनल का उद्देश्य है किस तरह से चीज़ों को आसान बनाई जाए और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए वो पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। थैंक यू।